कल रात टूल प्लाजा में ड्यूटी पर बैठा था। गाड़ी वालों से मामूल के मुताबिक टूल ले रहा था। अचानक एक कार आई जिसमें एक लड़की और चार लड़के बैठे थे और लड़की मुसलसल रोए जा रही थी। मैंने कहा, इस लड़की को कहाँ ले जा रहे हो? ये तो मेरे दोस्त हसीब की बहन है। मैंने इन कार वालों को रोक लिया, बाहर जाकर अपने आर्मी के कमांडर को बुलाया। जब वो आ गए तो क्या देखते हैं कि वो लड़की अकेली रोड पर खड़ी रो रही थी और लड़के भाग गए थे। फिर मैंने सोचा कि जाकर बात करूं और पूछूं, फिर दिमाग में ख्याल आया कि मेरा जाना मुनासिब नहीं है। अपने शिफ्ट कमांडर को कहा, आप जाएं और इस लड़की से पूछें कि कहाँ जाना है। जब कमांडर साहब ने बात की तो उसने सब बताना शुरू कर दिया कि मैं फलां लड़के से मोहब्बत करती थी जो कि मेरा जानने वाला है। उसने मुझे घर से बिठाया और रात 2 बजे हम रवाना हो गए। मैं बहुत खुश थी लेकिन दिल डर रहा था। जिसको मैं अपना खैर ख्वाह समझ रही थी वो बार बार कॉल मिला रहा था। रास्ते में उसने अपने दोस्तों को भी साथ ले लिया। मेरा शोर करने को दिल चाहा लेकिन फिर ये सोच कर चुप हो गई कि खुद ही अपना घर छोड़ कर आई हूँ। ना अपनी बेवा माँ का ख्याल आया और ना ही अपनी बहनों का। सारा रास्ता यही दुआ करती रही, या अल्लाह इस बार माफ़ कर दे और मुझे बचा ले, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं चूंकि दूर खड़ा था वो मेरी तरफ इशारा करते हुए बोली, आप इस भाई का शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। इसके पास घर जाने का किराया तक नहीं था। कमांडर उसे अपनी आर्मी की गाड़ी में उसके घर तक छोड़ आया ताकि सुबह होने से पहले पहले वो घर हो। खुदारा, मेरी तमाम बहनों से गुजारिश है कि अपनी नासमझी में अपने वालदैन की इज्जत का तो ख्याल रख लिया करें। घर वालों से ज़्यादा आपको कोई इज्जत नहीं देगा। रही मोहब्बत की बात तो वो अपने रब से करें, वो इतनी ही बुलंदियाँ अता फरमाएगा कि हर मुराद पूरी कर देगा। एक दफ़ा उसके दर पर आकर तो देखें। बाकी रहा सवाल लड़के और लड़की की मोहब्बत का, ये तो आजकल जिस्मों का सौदा है। किसी को रास आ जाता है तो किसी की जान ले लेता है। इस कहानी का मकसद ये था कि शायद इस वाक़े से किसी की इस्लाह हो जाए। इस कहानी को दूसरों को शेयर करना मत भूलिएगा। हो सकता है आपकी इस काविश से कोई भटका हुआ राह रास्त पर आ जाए। अल्लाह ताला आपको जजाए खैर दे, आमीन। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।